नमस्कार। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस बात की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार ऐसा वक्त है कि देश जो है वो मुश्किलों से जूझ रहा है। कोरोना के संक्रमण ने कई ज़िंदगियां ली हैं और हालत अभी भी नाजुक है। आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद। और इस बीच किस तरह से पटना में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करने पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें हैं। और उसके बाद परेड भी होता है, झांकी भी निकलती है और उस नीतीश कुमार ओपन जीप से राउंड भी लगाते हैं और उसके बाद झंडोत्तोलन करते हैं। मगर एक चीज़ जो इस बार कम रहती है वो ये कि इस बार ऑडियंस की दीर्घा में, दर्शक दीर्घा में कोई नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दर्शकों को आना अलाउड नहीं था। हालांकि जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे और कुछ अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसके दर्शक बने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। वहीं दूसरी ओर राजद कार्यालय में भी फ्लैग होस्टिंग हुई। तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह राजद कार्यालय पहुंचे, जहां पर जगदानंद सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया और तमाम राजद कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। काफ़ी भीड़ भी जुटी क्योंकि चुनाव का टाइम है। टिकट को लेकर के पार्टी में होड़ मची है, हर कोई अपने नेता के नज़र में आना चाहता है। तो झंडोत्तोलन जब होता है राजद कार्यालय में, उसकी तस्वीरें आप देखिए आपके स्क्रीन्स पर। तेजस्वी यादव इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की खुशहाली की बात कहते हैं और भी क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासी बिहारवासियों को बधाई देते हैं और देश आज के दिन हमारा आज़ाद हुआ और हम लोग सब लोग मिलकर के प्रयास करें कि गरीबी से आज़ादी मिले, भ्रष्टाचारियों से आज़ादी मिले, बेरोज़गारी से आज़ादी मिले और सब लोग मिलकर के देश हित में मिलकर के सेवा करें, आगे बढ़ाने का काम करें। और आज का दिन बेहद ख़ास है। बहुत लोगों के कुर्बानियों के बाद, शहादत के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। हम लोग सब लोग ये भी जानते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है देश में और जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश जो है तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। जसवी जी, एनडीए में चिराग पासवान नाखुश नजर आ रहे हैं, इंटरनल मीटिंग करें, नीतीश कुमार से भी नाराज है वो। अभी हो जाने दीजिए ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता नहीं होता। हम पहले क्या बयान दें, उनके घर का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है, इस पे पूर्व में कोई टिप्पा टिप्पणी करना कितना उचित रहेगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बात तो सच है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। तो यह स्वतंत्रता दिवस की दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष, और दोनों ही संक्रमण से बचाव करते हुए 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप भी सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और संक्रमण से बचने का प्रयास करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे पीते रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें और ख़बरों को विस्तार से पढ़ना पसंद हो तो bihar.hs.news पर जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।